बाकी नंबर ऑफ मोल्स जब तक निकाले थे तब तक मजे मजे थे, लेकिन जब हमें मास निकालना पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि मास वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स देके रखे हैं तो लाइफ है जिंगा लाला, क्वेश्चन में कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो कब आएगी, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देकर रखे, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देकर रखे हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में मास पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में। तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है? ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ मोल्स देके रखे और मुझे पार्टिकल्स निकालने, तो क्या है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देकर रखें, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देके रखें और हमें निकालना क्या है, पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वाला। बहुत ही बढ़िया, ठीक है क्या, यानी कि मास अपॉन में मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। आया समझ में? सो व्हेन क्वेश्चन में पूछा मास है और दिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से प्रायोरिटी में सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। क्वेश्चन नंबर टू, अगर क्वेश्चन में पार्टिकल्स पूछे और नंबर ऑफ मोल्स नहीं देके रखें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, मास वाले फॉर्मूले से, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। इज दैट क्लियर? क्या ये